और उधर अमेरिके की रेटिंग घटने के संबंध में टाटा स्टील के एमडी एचएम नेरुलकर ने कहा है कि इंडिया को अपने बल पर खड़ा रहने की आवश्यकता है। साक्षी स्थित जमशेदपुर ऑफ इंजीनियरिंग इंडिया हॉल में लायंस क्लब इंटरनेशनल के समारोह में टाटा स्टील के एमडी एचएम नेरुलकर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। उन्होंने उनके पहलुओं पर बेबाक अपने विचार रखे। ऐसा है कि आज के ज़माने में अगर हमारे एम्प्लॉई खुश रहे, अच्छा से काम करें और कंपनी के हित के बारे में ज़्यादा सोचें तो यही जो कर पाएगा उसी वही कंपनी का आगे में प्रोग्रेस होगा। पिछले एक साल में कई अवार्ड्स मिले हैं जिसमें खासकर जो एचआर पॉलिसी है और कई चीज़ों में आपने अर्थात जो प्रेसिडेंट जो अवार्ड्स को लिए हैं उससे कितनी चुनौती बढ़ जाती है चैलेंज। एक तो है इतना सा अवार्ड मिलता है मतलब हमारे सब साथी लोग अच्छा काम कर रहे हैं, सिर्फ सिर्फ हमको अवार्ड मिलता है लेकिन काम बाकी सब कर हमारे सब एम्प्लॉइज ऑफिसर सीनियर सभी बड़ी हेल्प कर रही है। ग्रोथ आई एम नॉट सेइंग ग्रोथ इज गोइंग स्टिल, जैसे कल भी एफएम ने बताया कि ज़्यादा रिएक्ट करने का जरूरत नहीं है, 7.5-8 करोड़ लाइक 9.5-10 नहीं, लेकिन ये तो रिडक्शन तो ही गया तो उसका चलते जब पहली बार ऐसे होता है तब चिंता होती है। अभी जो क्राइसिस हुआ है यूएसए में या यूरोप में उसका चलते भी पूरी दुनिया में थोड़ा मंदी तो नहीं कहेंगे, रेट ऑफ ग्रोथ स्लो हो गया, जो रिकवरी हो रहा था उससे भी चलते थोड़ा सिम्टम्स खराब हुआ, लेकिन इंडिया को अपने पैर पर खड़ा रहेंगे। जैसे लास्ट टाइम में कुछ स्टिमुलस पैकेज कुछ रिफॉर्म्स से करके इंडिया को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ।